हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे थे। तो इस क्लासेस में हम आपको डेली वोकैब लेकर आ रहे हैं। डेली वोकैब का आज है डे नंबर 6। तो डे नंबर 6 में हम पर डे हम 10 वोकैब डिस्कस करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आज डे नंबर 6 में हम देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं वोकैब नंबर 21। वोकैब नंबर 21 में क्या बोल रहा है? एप्ल्यूड, APPLUD। एप्ल्यूड, एप्ल्यूड मीन्स क्या होता है भाई? प्रशंसा करना। तो आप्ल्यूड, आप्ल्यूड मतलब कैसे याद रखोगे? आपका प्लॉट, आप्ल्यूड, आप्ल्यूड, एप्ल्यूड, आपका प्लॉट, ठीक है। एप्ल्यूड, आप इसे अपलोड पढ़ोगे तो इसे याद रखोगे, आपका प्लॉट। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि आपका प्ले प्लॉट क्या है, इतना बड़ा है भाई, क्या करते हैं सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, आपका प्लॉट इतना बड़ा है कि सब उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है भाई। सो इसका सिनोनियम क्या है भाई? सिनोनियम होंगे इसका प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, या पता होगा आपको। लाउड, LAUD, लाउड। लाउड मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसा, ठीक है। एंटोनियम देखते हैं, कंडमन एंड क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब दूसरे में कमी निकालना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे वोकैब नंबर 22। वोकैब नंबर 22 में क्या बोल रहा है? BODLERIZE, बॉर्डलराइज। बॉर्डलराइज मीन्स क्या होता है? शोधन करना। तो बॉर्डल, 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 बॉर्डल को कैसे रखोगे? बादल के हिसाब से। बॉर्डल मतलब बादल और राइज मतलब राज। तो बादल, सॉरी, राइज, राइज मतलब रोज। तो बादल रोज, बादल रोज। तो आसमान के बादल रोज अपना शोधन करते करने के लिए क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो शोधन करना, बादलराइज, बादलराइज, बादलराइज मतलब ऐसे आज करने का तरीका क्या है? शोधन करना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हुआ भाई? प्योरीफाई। प्योरीफाई मतलब एकदम शुद्ध कर देना। क्लीननेस मतलब क्लीननेस भी क्या होता है? स्वच्छ कर देना, साफ कर देना। एंटोनियम क्या होगा? अप्रूव या ऑथोराइज, अप्रूव या एथोराइज, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे वोकैब नंबर 23। वोकैब नंबर 23 क्या दे रखे है? कैप्सियस, CAPTIOUS, कैप्सियस। कैप्सियस मीन्स कैसे याद रखोगे? इसका मतलब क्या होता है? दूसरों के दोस्त खोजना। कैप्सियस मतलब दूसरों के दोस्त खोजना। एक तो होता है कैप्सास, तो इसका एक तो होगा कैप्सास। कैप मतलब आपको पता है टोपी होता है, और सास आपको पता है आपकी वाइफ की, मतलब आपकी मम्मी और आपकी वाइफ की क्या लगेगी? सास लगेगी, ठीक है। वो होता है कैप सास। सास तो मतलब क्या? वो जो आपके वाइफ की, वाइफ की मम्मी जो लगेगी, ठीक है। मतलब आपकी मम्मी आपकी वाइफ की जो लगेगी वो सास होगी, ठीक है। और कैप मतलब पता आपको, ओढ़ने वाले। तो कैप ओढ़कर आपकी मम्मी मतलब आपकी पत्नी की सास क्या कर रही है? हमेशा उसमें क्या है? दोस्त निकालती रहती है अपनी बहू में। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। सिनोनियम क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सेंसोरियस, SENSORIOUS, सेंसोरियस, CENSORIOUS। सेंसोरियस मीन्स क्या होता है? दूसरों में दोष निकालना है, कमी खोजना है। फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट मीन्स क्या होता है? गलती। फाइंडिंग मतलब पाना, दूसरे में गलती पाना क्या होता है? कैप्सियस, ठीक है। मतलब सिनोनियम एक दूसरे के होते हैं। और देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम क्या है? अनफिजी, UNFUSSY, अनफिजिया, क्रिटिकल, अनफिजिया, अनक्रिटिकल, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे वोकैब नंबर 24। वोकैब नंबर 24 में क्या है? वो डर्थ, DERTH, डर्थ। डर्थ मीन्स क्या होता है भाई? कमी, DERTH, डर्थ मीन्स कमी। कीवर्ड क्या होगा इसका? डेथ या मृत्यु। और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन होगा भाई, मृत्यु दर में अब कमी आ गई है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या? डर्थ, डर्थ मतलब डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, और मृत्यु का मतलब होता है उसमें क्या होगा? मृत्यु दर में अब क्या आ रही है? कमी आ रही है। जब से मोदी जी ने लॉकडाउन चलाया है, सब घर बैठे हैं, तो मर नहीं रहा कोई, चिपक जाना है तो रोड पे कोई चिपक जा कर रहता, ठीक है। अब चिपकने बंद हो गए जब से घर बैठे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। सिनोनियम क्या है? डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मीन्स भी क्या होता है? कमी आना। लेक, लेक मीन्स भी क्या होता है भाई? कमी आना, ठीक है। दोनों क्या होते हैं? एक कमी आना को शो करते हैं, मतलब कमी किस चीज़ में? कमी होना। एंटोनियम क्या होगा? एक का पेलेंटी और एक का अबेंडेंस। अबेंडेंस मीन्स छोड़ देना, अबेंडेंस सुना होगा आपने, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 25, डिस्माल। डिस्माल मीन्स क्या? उदास। डिस्माल मीन्स उदास। तो कीवर्ड क्या है?
देश के माल, डिसमाल मतलब देश के माल, तो डिसमाल उदास, उदास का मतलब देश के माल। तो कैसे याद रखना, तरीका क्या है, देश के सारे मॉल, मॉल मतलब सुना होगा आपने जहां पे फिल्म देखते हो आप, देश के सारे मॉल क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, इसलिए हम क्या हो गए हैं, उदास हो गए भाई। फिल्म कहाँ देखे अब जा गए, फोन में देख के काम चलाना पड़ रहा, जो बेचारे फिल्म के ज्यादा शौकीन थे जो मॉल में देखे करते। ठीक है भाई, सिनोनियम क्या दिया हुआ है इसका, सिनोनियम है डिप्रेस्ड एंड टेडियस, डिप्रेस्ड एंड टेडियस, एंटोनियम चीरफुल एंड ग्ली, CHEERFUL, चीरफुल या ग्ली। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 26। वोकैब नंबर 26 में क्या बोल रहा है वो, ठीक है भाई, तो इसका एंटोनियम क्या होता है, चीरफुल या ग्लीज, CHEERFUL, चीरफुल या ग्लीज, GLEE, ग्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं वोकैब नंबर 26। वोकैब नंबर 26 में क्या बोल रहा है, परसर्व, सर्व, PERSEVER, परसिवियर, मीन्स क्या होता है, लगातार जारी रखना, क्या लगातार जारी रखना, उसे याद करने का तरीका, परसों से वियर, परसों से वियर मतलब परसों से बियर, परसों से लगातार बियर पी रहे हैं तो क्या मतलब लगातार क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं किसी चीज को, परसों से लगातार क्या कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। ठीक है, एंड सिनोनियम क्या होगा, परसिस्टेंट, परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है भाई, किस चीज़ को मतलब रेगुलरिटी वे में काम करना, कंटिन्यूस भी आपको पता है एज यू नो। एंटोनियम क्या होता है, CHEA, ऐसी चीज, चीज मीन्स क्या होता है एंटोनियम, एंड स्टॉप, स्टॉप मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज़ को रोक लगाना, किसी को बंद कर देना। नेक्स्ट दिया हुआ है स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड मीन्स क्या होता है, गंदा या घटिया, तो इस क्वालिटी को कैसे याद रखोगे, इस क्वालिटी, इस क्वालिटी, इस क्वालिटी, इस क्वालिटी, इस क्वालिटी, तो इस क्वालिटी की लीड क्या है, लीड, लीड जो आप अपने मोबाइल में लगाते हो, अपने कानों में लगाते हो, फिर तो इस क्वालिटी की लीड क्या होती है, बहुत खराब होती है, गंदी होती है, बेकार होती है। ठीक है भाई, जैसे कि ये रखा देखो, नोक कैसी वाली है इसकी, क्या होती है इस क्वालिटी की लीड, क्या हो, बहुत ज़्यादा खराब होती है, मतलब क्या ऐसे चलती है बस, आवाज़ ऐसी आवाज़ बिल्कुल मरी मरी सी, और लगभग 3-4 दिन चलेगी, ठीक है ना, तो अब चले भी ना। ठीक है भाई, तो इस क्वालिटी की लीड क्या होती है, बहुत बेकार होती है। सिनोनिम कैसे याद रखो कि FETID, फैटिड, फैटिड मीन्स क्या होता है, अच्छा ठीक है, फिल्दी, FILTHY, फिल्दी, और एंटोनिम क्या होगा, CLEAN, क्लीन या डिसेंट, क्लीन या डिसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड, एंड द वोकैब नंबर 28, वोकैब नंबर 28 देखते हैं, मायर, MIRE, मायर, मायर मीन्स दलदल या फंसना, मायर, MIRE, मायर मीन्स दलदल या फंसना, तो याद कैसे याद रख करोगे इसे, मायार मतलब मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, तो मेरा यार दलदल में फंस गया, जिसे छुटाने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं गए कि हम भी फंस जाए कभी। ठीक है, और सिनोनिम का है MARSH, मार्स, MARSH, मार्स, और मड, मड मीन्स क्या होता है, मिट्टी का ढेर होता है, जहाँ पे मतलब ऐसा होता है, फिसलापन सा होता है, ठीक है, मिट्टी हो जाती है। एंटोनियम क्लीननेस एंड द रियलाइज, रिलीज, ठीक है, क्लीननेस एंड रिलीज, एंड वोकैब नंबर 29, वोकैब नंबर 29 में क्या बोल रहा है, LURK, लर्क, लर्क मीन्स क्या होता है, छिपना या घात लगाना, LURK, लर्क, लर्क मीन्स क्या होता है, छिपना या घात लगाना, तो लर्क, लड़के, लर्क, लड़के, लड़के मतलब लड़के, आप याद रखोगे कैसे, लर्क, लड़के, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, लड़के घात लगा कर बैठे हैं आपको मारने की, देखो कैसे बैठा, लेट रहा बिल्कुल आराम से, जैसे गाड़ी के नीचे लेट रहा हो और तुम्हें देख रहा हो, मैं मारूंगा जान दे से। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा, काउंसिल, CONCIL, काउंसिल, काउंसिल मीन्स क्या होता है, छिपना या घात लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्नूप, स्नूप मीन्स क्या होता है भाई, छिपना है, ठीक, घात लगाना है। एंटोनियम क्या, कम आउट, COMEOUT, कम आउट या अनहाइड, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल, ड्विंडल मीन्स भी क्या होता है भाई, कमजोर होना, ड्विंडल मीन्स कमजोर होना। ठीक है, एंड कीवर्ड क्या दिया हुआ है इसका, दो विन, ड्विंडल, दो विन, डी विन मतलब डी विन, दो विन, तो दो मतलब दो, तो आपको पता है टू जो दो आदमी होते हैं कुछ भी ले सकते हो, तो दो विन, विन मतलब जीतना, एंड दो बार जीतने वाला दल हम अब हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो गया है, कम होना स्टार्ट हो गया, जो दो बार जीत का ना वो अब लगभग, या ट्विंक, ड्विंडल मतलब याद रखोगे, ट्विंकल, ट्विंकल मीन्स क्या, जो स्टार होते हैं, ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार आपने सुना भी होगा, तो ठीक है, तो जो छोटे छोटे स्टार होते हैं वे क्या होते हैं, आजकल कम होते जा रहे हैं, बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड, ओके, देखते हैं, और इसका सिनोनिम क्या होगा, डिक्रीज्ड एंड द डिमिनिज, डिक्रीज एंड डिमिनिज। एंटोनियम क्या होगा भाई, एक्सपेंड एंड एक्सटेंड, EXPAND एंड एक्सटेंड, EXTAND,
नेक्स्ट दे रखा है वोकैब नंबर 31। वोकैब नंबर 31 में क्या बोल रहा है वो, डेस्पोंडेंसी, DESPONDENCY, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी मतलब क्या होता है, उदासी भरा। ठीक है, तो ऐसे आप कैसे याद रखोगे, देश या देश पांडे, पांडेंसी ना, देश पांडे, देश पांडे नाम का कोई आदमी है और उन्हें क्या दे रहे हैं, जब देश पांडे जी को फांसी की सजा सुनाने के बाद चारों ओर क्या मच गया, माहौल कैसे मच गया, निराशा का, दुख हो गए, सब दुखी हो गए, उदासी का माहौल मच गया। देश पांडे नाम का कोई व्यक्ति था, जब उसे अच्छा आदमी था लेकिन उसे फांसी की सजा मिल गई किसी केस में, तो क्या होगा वो, क्या उसे फांसी की सजा मिलने के बाद चारों ओर का जो माहौल होगा कैसा होगा, उदासी भरा हो गया या निराश हो गया। ठीक है, एंड सिनोनियम इज दैट सैडनेस एंड डिप्रेशन, सैडनेस एंड डिप्रेशन। एंटोनियम इज चीयरफुलनेस एंड ग्ली, GLEE, ग्ली मीन्स क्या होता है, खुशी, आपको बताया तभी, खुशी। ठीक है, एंड चीयरफुल मीन्स भी यही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वोकैब नंबर 32। वोकैब नंबर 32 में क्या बोला, माई रियाद को कैसे याद रखोगे, अनगिनत मतलब मेरी याद, मेरी याद आपको उस दिन से क्या आ रही है, लगातार आ रही है, अनगिनत बार आ चुकी है, मिस कर रहे होगे आप भी, मुझे पता है। तो सिनोनियम क्या होगा, काउंटलेस, CONTLESS, काउंटलेस एंड इन्फिनिटी एंड काउंटलेस। एंटोनियम देखते हैं भाई, लिमिटेड एंड द मिजरेबल, MEASURABLE, मिजरेबल एंड द लिमिटेड। ठीक है भाई, देखते हैं वोकैब नंबर 33। वोकैब नंबर 33 में क्या बोल रहा है, मैन्यूअल मीन्स क्या होता है, साधारण। तो इसे याद करने का तरीका क्या होता है, मैन ऑयल मतलब तेल, मैन मीन्स आदमी, ऑयल मीन्स तेल। तो मैन जो ऑयल यूज करते हैं, जो ऑयल मतलब सिर में गया था, तो कैसा होना चाहिए, वो साधारण होना चाहिए, यानी कि मट्टी का तेल गेल सिर में, ठीक है, कैरोसिन ऑयल नहीं गेलना। तो मैन जो ऑयल सिर में यूज करते हैं वो क्या होते हैं, साधारण होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, ठीक है, मट्टी का तेल मत गेल लेना। सिनोनिम क्या होगा, नोवाइज एंड द एब्जैक्ट, नोवाइज एंड द एब्जैक्ट। एंड एंटोनियम इज एलिवेटेड एंड स्किल्ड, एंटोनियम क्या होगा भाई, elevated and skill, ठीक है भाई। And the vocab number 34 is that modicum, MODICUM, modicum means कम या थोड़ा, modicum means कम या थोड़ा। तो कैसे याद करने का तरीका क्या है, मोडी मतलब मोदी, ये तो बहुत अच्छा वर्ड आया भाई, मोडी मतलब मोदी और कम मतलब कम थोड़ा, जैसे आप पता है कम जहाँ पे लग गा ये समझो उसका मतलब भी कम या थोड़ा होता है, जैसे यहाँ पे मोडी कम लग गा तो मोदी कम मतलब कम या थोड़ा, और मोदी मतलब मोदी आपको पता, जैसे कि ये बैठे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, तो मोदी अब थोड़ा कम मेहनत करने लगे हैं, ठीक है, वैसे तो हालांकि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन एक याद करने का तरीका होता है, तो क्या मोदी आजकल क्या बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, तो सिनोनियम क्या होगा, ड्रॉप या लिटिल, DROP, ड्रॉप या लिटिल, LITLE। एंटोनियम इज एंटायरिटी एंड एम्पल, AMPLE, एंटायरिटी एंड एम्पल। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 35। वोकैब नंबर 35 मीन्स क्या होता है, इंजेनुअस मीन्स निष्कपट या ईमानदार। इंजन छुपा हुआ, तो इंजन मतलब इंजन, आप पता है रेल का इंजन, किसी भी चीज़ का इंजन हो, तो इंजन बनाने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर बिल्कुल सच्चे, निष्कपट एवं साधारण। ठीक है भाई, सिनोनियम क्या होगा, FRANK and HONEST। ठीक है, एंटोनियम क्या होगा इसका, deceitful and the sly। ठीक है भाई, वो कैब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आज की वीडियो में हमने 15 वो कैब डिस्कस की है, और 15 गुना आपको जैसे कि जानते हो, 15 गुना 5 लगा दो, 15 बंदे 75, आज 75 हमने वर्ड मीनिंग याद कर लिए, ठीक है, क्योंकि चार चार क्या होते हैं एंटोनियम, और एक खुद अपने आप में वर्ड मीनिंग होती है, ठीक है। तो आज हमने लगभग कितने देखो, 15 मिनट की वीडियो में 75 वो कैब आपको याद करा दिए। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स, नाइस टू सी यू नेक्स्ट वीडियो।